बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम की हाल चाल सारे पिंड पियां तुम दुआ करना साडे वेखण जिन्हें के बहन भाई ने खुश रहो बाद हमेशा वास्ते वसते रहो ते माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक दा लख लख शुक्र है कि गर्मी दे विच जी सर्दियां वाला मौसम इंजॉय किया जा रहा है। माशाल्लाह कल भी बारिश हुई सी और देखो कितना प्यारा जिहड़ा ना मौसम बनया होया मैं तुहानू दस नहीं सकदा। और मेरे अगे पिया जी बेंच बेगम साहिबां नूं कहेगा कि बना के दिओ जी लस्सी वगैरह और मेरे ख्याल लेके आ गया एक के गिलास करके ले आवेंगी और मैं कह जेड़ा पीना है दोबारा फिर लेके आ जासी। और ए आयागी जी लस्सी और ऊपर वाली साइड ते उमे जेड़ा मेरे ख्याल है मलाई विच ना पाई कर देन कितनी बार आके मेरे को लस्सी दे तोंदी मलाई हुन उमे सारा तू दही विच रिड़क दीती विच मलाई विच सारा कुछ पा के ले दही थोड़ी हुंदी है विच असल ते दसनो विच दही भी पाई है ते विच जेड़ी हुंदी ना दूध दी मलाई चलो जी पीने बारल फिर भी जेड़ा नवेने की बनता है। बेगम साहबा ने जग विच होर भी लैन दा सी लेकिन मेरे को मसा जेड़ा ने की गिलास जेड़ा ना पीता गया मसा बहुत इना अज इन्हां सिस्टरों की दावत जाना भाई जफर ने मैंने फोन किया अज आना पता नहीं किन्ने कोई जाने लेकिन हुण ते असी खुद घर में कोई रेसिपियां वगैरह दोपहर टाइम बना रहे हैं लेकिन उधर भी जाके खावांगे इधर भी खावांगे घर में जरूरी पकाना क्योंकि अम्मी अबू और भी है गया तो फिर उन्होंने पका के देना। अबू ने कहा जी चावल पकाने ने तो चावलों का बंदोबस्त किया जा रहा और टमाटर घर में खत्म हुए हुए हैं मैं चलिया शहर टमाटर लैन और दूसरा मोटरसाइकिल की जी सर्विस करानी वो भी करवा रही है। हाँ जी घोड़ा कोई नहीं है, तुसी दोपहर वाला व्लॉग विखिया होना, घोड़ा मैं लुका दिता, इन्होंने मध के मार मूर देना, तुहानू मैं नहीं दे रहा, ओ जिंदा है, ओ रबड़ दा नहीं है, जेड़ा तुसी तुहानू दे रहे हो, ओ जिंदा है, ओ रबड़ दा नहीं है, जेड़ा तुसी तुहानू दे रहे हो, ओ जिंदा है, ओ रबड़ दा नहीं है, जेड़ा तुसी तुहानू दे रहे हो, ओ जिंदा है, ओ रबड़ दा नहीं है, जेड़ा तुसी तुहानू दे रहे हो, ओ जिंदा है, ओ रबड़ दा नहीं है, जेड़ा तुसी तुहानू दे रहे हो, ओ जिंदा है, ओ रबड़ दा नहीं है, जेड़ा तुसी तुहानू दे रहे हो
ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਵੇਖੇ ਨਾ ਬਸ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ ਹੈਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਲਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਲੈ ਬਾ ਚਲੋ ਅੰਦਰ ਘਰ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸਿਸਟਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਜ਼ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਉਰਦੂ ਵਗੈਰਾ ਬੋਲੀ ਕਰੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣਾ ਵਗੈਰਾ ਸਿਖਾਓ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਾਲੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇਵਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਖਾਵੀਏ ਵੀ ਨਾ ਜੋੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਰੱਖੀਏ ਅਤੇ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਬਤ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀ ਵਾਲਾ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਰੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਐਕਟਿੰਗ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੰਦਾ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰੇ ਗੁਰਬਤ ਵਾਲਾ ਰੋਣਾ ਰੋਈ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਚੈਨਲ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਉਜਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਉਜਰੀ ਵੀ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਪੁਲਾਓ ਮਟਨ ਪੁਲਾਓ ਮਟਨ ਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਟਨ ਹੀ ਪਕਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਕਾਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਜੀ ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਨਾਈਆਂ ਧੋਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਾਈ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ ਚਮਕਾ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੱਦਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਕ ਲਵਾਂਗੇ ਸਹੀ ਆ ਨਾ ਇਹ ਫਿਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਧੁਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਮਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਣੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਪੈ ਗਈਆਂ ਲੇਕਿਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਵਾਇਆ ਔਰ ਟਮਾਟਰ ਕੁਝ ਸੀ ਟਮਾਟਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੰਮੂ ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਖਾ ਲਈਏ ਔਰ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਬਣਾ ਰਹੀਏ ਪੁਲਾਓ ਬਣਾਉਣਾ ਪੁਲਾਓ ਚੱਲਦੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਜਰੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਦਾਵਤ ਹੈਗੀ ਬਾਜੀ ਹਿਨਾ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਕਣੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪੀਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ
और उम्मीद है नहीं होंगी थोड़ी बहुत ही जेड ना होगी और मोटरसाइकिल जरा ना इस पर जावे असी ताकि बारिश वगैरह हो ही जाए तो टेंशन ज़्यादा ना बने। बारिश वसदी पी तो बच बचो वेखो बैठे हुए हैं उत्थे ड्रैंग रूम बना रहे हैं मेरे ख्याल। बेगम साहबा उन्नी देर तक चावल बना लवेगी और मैं चलिया जी हमाम से दाड़ी दूड़ी जी थोड़ी बहुत सैट कराने तो वापसी तो आकर नावे कपड़े वगैरह करा चेंज फिर चलेंगे। चावल मेरे ख्याल पक के तैयार होए पेने और बेगम साहबा दो ला फटाफट बर्तन आप जो चली गए क्योंकि दिन भी जेना काफ़ी हो गया तकरीबन मेरे ख्याल पाँच बजन वाले ने और मैं हूँ जो दाड़ी वगैरह बनवाया ना लेना उन्नी देर तक बेगम साहबा दो लगेगी बर्तन। मैं तो बिल्कुल जरा तैयार हो गया और चावल जरा खाने लगे थोड़े बहुत कट के जी मटन पुलाव बनया होया और बेगम साहबा जरा हूँ तैयार हाले हो रही है। भुख जी बड़ी लगी हुई सी मैं कटे थोड़े सारे से लेकिन बड़े मज़ेदार बने हुए मैं होर कटन जा रहा इन्ने सारे चावल जो होर कटे बेगम साहबा देखने तैयार हुई है कि नहीं हुई कितने गल पहुंची जल्दी कर अब्दुल वहाब जो कपड़े वगैरह बेगम चेंज करा रही है और लैबा जो रो रही कह रही मेरे नाल जाना असी दवाई लैके हमने आए वहाब न टीका लवावन जाना है उन्हें आ दिता इस मोटरसाइकिल से जाओ सी लेकिन इस दे विच पेट्रोल चेक किया पेट्रोल बिल्कुल जेड़ा ना खत्म होया पे एंड ते ओ जेड़ा ना थोड़ा चुगा के लगा मंदा और फिर मोटरसाइकिल यही बार करना पे तो अपना गल जाना और बेगम साहब आई कपड़े वगैरह चेंज करने अज दोवें पीले पीले हुए फिरदे दोवें जने हैं सांड आया दो सूट अब्दुल वहाब दे लै आंदे सी ईद ते इक पहले पा लिया एक हुण और मूड क्यों खराब है सुतो आया ना हैं हुण उठ गया मूड खराब है मुंडे दा चलिए असी जी इत्थे बिल्कुल पहुँच गए हैं बजहीन होर के घर और रस्ते को केक वगैरह लिया मैं खाली हाथ नहीं जा जेड़ा ना जाना चाहिए क्यों अब्दुल वहाब उन्हें साढ़े वास्ते केक लै आंदा सी उन्हें वास्ते केक लैके चलिए भाई जफर हुण ही जेड़ा मेरे ख्याल आया किधर गए हुए सी चाबी खिंच लैने और लाक ला दें बाकी ऐनक भी ला लवी असि अंदर आया अंदर ना एसी चल रहा तो बड़ी ठंड सी असि बंद करा दिता दावत है मटन मुटन सारी हर शायद जी खा खा के थके पे बाजी हिना कह रही है जाके ना को केक बर्गर वगैरह ही होंगी जी चीज़ा जी घर जो नहीं बनाइया सी वो चल के जेड़ा मैं खाना और अब्दुल वहाब ने ए देखो मेरा चश्मा जेड़ा ना तोड़ फोड़ के रख दिता है भी डिग्गा पे चाल इन हुण मैं की करा तोड़ते की करा इन मैं भी आ रहे हैं दिया भी फाड़ ले अच्छा तोड़ क्यों ज्यादा इतना है जाते तो कह रहे थे ये टुकड़ा सारा कौन उठा ले हां टूटा हुआ चाक के रह जी हूं टुकड़ा जना है वो देख ले संभाल रहे हैं इसकी तोड़ दिता है तो जेड़ा ना हुण संभाल रहा तो किंदे ते चलिए ओ पी कह रहे हो पी अच्छा जी बाकी सारिया छड़ो बाजी हीना जेड़ी है ना मशवरा दे रही है कह रही है ए आला सामने जेड़ा घर है ना ए तो नज़र आ रहा ए आ रहा हुण लग्या सेल ते तुसी लेना तो जेड़ा ना गल करो हां हमने कहा बात करें फॉर सेल लगा ते वो नमाज भाई सेल पे है ये किराए पे आपने जो लेना है ना अच्छा दो दो गरला पाक ने दे दिते ने एक किराए पे भी अपना भी खरीदना सारे अच्छा आज जब ये तो वैसे बाजी हिना और ए गार है ते ए सामने जेड़ा मिल सकता है और ए ला समझ लो कि असि लऊ सी पिछले महीने जेड़ा किराए ते हाँ बिलकुल गल साडी पक्की हो गई सी ते असि आन वाले सी ते बस ना फिर क्या नहीं नहीं इत्थे नहीं जेड़ा ना असि अपना ही लवांगे कि जगह ते बाकी है बहुत महंगा काफी सारा नहीं जेड़ा से डह लई गया सही गल है वैसे किन्ने कदा कह रहे सी एक करोड़ पच्ची लाख एक करोड़ पच्ची लाख वैसे किस्तां कुस्तां ते मिल जावे ना
महीने का 40-50 हज़ार रुपया देना पै जाए तो फिर तो साढ़े बारह कमा कमा के नहीं फिर की है नहीं ये कैश भी दे नहीं प्रॉपर्टी आ के काफी लोग देखने आते हैं ना मकसद निकलते हैं भाई तो अभी भी वो 1,25,00,000 में दे नहीं रहे अभी उनका रेट वो मतलब कर नहीं रहे फाइनल के हमने घर पे काफी माशाल्लाह सोना लग रहा है बड़ा बेहतरीन बना हुआ है 1-2-3 मंजिला है साईवाल एस होटल से जी खाना खान आए हैं घर से जोड़ा है ना लीए या ना लीए किराए से रमन का जो सा प्रोग्राम इतने है लेकिन हाले पक्का वो भी कोई नहीं है लेकिन उन्हें तू खाना खा के बाकी बाद चलने भी कि किराए जो घर वगैरह मिलता है फिर डिसाइड करा सही है ना भी वह ना वे कि किराया ज़्यादा हो कम अज़ कम 20-25 हज़ार महीने का किराया अं भर सकते हैं या इस तू थले बल्कि हो इस तू ज़्यादा किराया जो अं नहीं भर सकते असं जा रहे जी उपर फैमिली हाउस साइड तो पौड़ियाँ कि बड़ी हुई चढ़ चढ़ के बंदा थक जाए पाए और हम अं चले जी बहना पैदल है मेरे ख्याल और फैमिली हाल है बहना इधर देखना सी उपर जो वैसे एक बार ना सैर सपट्टा कर चले रूफ टॉप है उपर वाली साइड से लो जी वो देखो हाँ इतने बाल लग रहे सैड इंज थोड़ा जहा हाँ बस इतने ठीक है वाह क्या बात है जी हाँ मेरे लिए नहीं आती हूँ जाना मेरे लिए आ जा नहीं हूँ नहीं आती काफ़ी टाइम हो गया जी खाने का ऑर्डर किया हो लेकिन हाले तक आया कोई नहीं और उन्होंने सौंग भी ला था कि कॉपीराइट ना आ जाए यार वेट कर रहे हैं जी आंदा खाना तो फिर जो खा के तो वापसी घर भी जाना अभी जल्दी जल्दी साडा ऑर्डर आ चुके है जी आया कि इदा लेकिन पता नहीं दार एंड पीजे वगैरह है होर हैगाटा वगैरह नहीं पाल बहुत अहम गल आए थे टॉपिक साढ़ा होर से खावन से दावत आया से गुहीना सिस्टर ने नवा सू मशुरा देता है तो असी हूँ उन्हें जो सोच विचार रहे खाना खाने तो बाद असी तकरीबन 10-15 मिनट गल करते रहे हिना सिस्टर कह रही थी सामने तुम्हें घर विखाया से कह रहे थे उतले महीने जो खाली हो जाना और इनका रेंट भी मुनासिब है तकरीबन 25,000 कह रहे थे 25,000 जो है ना एक महीने का रेंट हैगा और असी भी सोच रहे हैं हाले कन्फर्म कोई नहीं आ कि तुसी दसो सजेशन च कह रही आ कि इत भी बच्चे भी एक तो स्कूल सही पढ़नगे लेकिन मैं सोच रहा कि इतने अपनी जगह होवे ना फिर मज़ा है हुण रेंट तो जिहड़ा ना समझ लो कि एक्सट्रा चीज़ आ पराई दी पराई मैं कहना तो शहर तो थोड़ा जहा हट के 4-5 किलोमीटर साईवाल तो दूर हो जाए जगह तो 4-5 किलोमीटर का मसला कोई नहीं 4-5 मिनट के बंदा शहर आकर बच्चों पढ़ा भी सकता तो एक जगह भी उत्थे सस्ती मिल जाएगी इतने तो मरले भी तकरीबन 10-20 लाख का एक एक मरला मिलता पे जगह तो इतने की मैं कहना इतने का उत्थे बंदा जगह लैके पा भी सकता है एक मरला जिन्हें बड़े महंगे ने इत्थे प्लाट तुहानू दस्सिया बहुत महंगे 5 मरले का 50 लाख का इन्ने महंगे बहुत ज्यादा महंगे मरला बहुत महंगे ने बहुत ज्यादा महंगे लेकिन इन बारे भी असं सोचा किराया वगैरह भी ठीक है लोकेशन भी ठीक है बेहतरीन नाले तुहाडे गवांढी हो जावेंगे हमसाए हो जावे लेकिन हुण ते घर जाके जिहड़ा ना असीं तुहानू कन्फर्म करांगे ते बाकी चाय ठंडी हुंदी पई असीं पीने आ ते असीं भी जिहड़ा ना घर नूं चलने आ हाँ शाम हो गई आ हयाम फातिमा तो सानू जिहड़ा ना बाय बाय करदी पई भई तुसीं निकल नाले बणो असि हले नहीं जाऊंगा कह रही है बाय बाय जाऊ हाँ
बाकी साडा एक जगह ते होर भी जान दा प्रोग्राम बन गया, कन्फर्म हो गई आ। कदों निकलना बड़ा? इतवार को सुबह। इतवार नु जाना है, अज जुमे रात है, जुमे रात इतवार नु रह गए 3 दिन बाद जी साडा एक नेक्स्ट टूर है। 2 दिन तैयारी वास्ते ते नेक्स्ट टूर जी 3 दिन बाद साडा शुरू हो। अगले दिन बाजी हिना और साडा गए सदो तुम दस्या सी कि उस तो अलावा फिर एक और अगे दा टूर है अगस्त दा, एक अगस्त दा है तो और एक अगस्त दा है, एक 27 तरीक दा। सताई तरीक का समझ लो कि 17 तरीक, फिर 27 तरीक, फिर उस तो बाद अगस्त, उस तो बेच ही हो सकते हैं। काफ़ी सारी जगह तो लेकिन हाले तुम दसते को नहीं है कितने जाना, ये सरप्राइज है। तो बाकी चली हूँ हाँ, क्योंकि लेट हो गई है काफ़ी सारी सानू। अब्दुल वहाब आ जा, आ जा चलिए। चलो ठीक है, भजन दो इजाजत, इंशाल्लाह मुलाकात होगी 2-3 दिन बाद। ठीक हो गया बाजी, बाहर रात हो गई, सुबह फर्स्ट टाइम ठीक हो गया, कोई मसला नहीं। सुबह फर्स्ट टाइम निकलेंगे, टाइम ना पहुंच जावांगे, फिर बंदा आराम सुकून रेस्ट कर। ठीक, मैं अपने कपड़े भी लेने ने क्योंकि मेरे को पैंटा शर्टा ही बचिया ने, सारे कपड़े जिन्ना बाजी ने विखाइया सी सारे जे टिडियां टुडियां ना टोक के सारे खराब करते मेरे टोटल कपड़े। बल्कि ना मैं तुहानू चल के जेडे कल दोपहर टाइम व्लॉग हुंदे विखावांगा, सारे कपड़े जिन्ने ही कपड़े हैगे सी सारे ही टिडियां ने टोक दिते ने टोटल दे टोटल। फिर पाटे पा के आंदा अच्छा नहीं लगता, और ना पाटे हुए कपड़े समझ ईद ते मैं पाटे हुए भी पाए हुए सी, लेकिन हूँ मैं सुबह इंशाल्लाह शॉपिंग करांगे जाके 2-3 सूट लैने क्योंकि अगे भी जी आना जाना ते ऐ पा के मेरे को हकीकत टुरिया फिर जाता हाँ। 2-3 सूट जो चंगे जो लैने नहीं बेकार हो गए, बेकार हो गए। बाकी 2-3 दिन बाद फिर अस इकट्ठे होवांगे। खुदा हाफिज़ ते अल्लाह निगेबान।